अग्निपथ योजना को लेकर लक्सर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर तबके के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखकर काम कर रही है, जिससे देश में विकास हो रहा है, साथ ही सीमाएं भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने केंद्र की अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए मुफीद होने का दावा भी किया। वही लक्सर के इस्माइलपुर गांव में सैनी समाज ने आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि देश पिछले 8 सालों से सही हाथों में है। केंद्र में भाजपा की सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाकर लागू कर रही है। पहले आतंकवादी चुपचाप सरहद पार करके देश में घुसकर तांडव मचाते थे, पर अब वे सीमा पर तैनात सेना के जवानों की गोली खाकर सीधे परलोक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35 से हटने से कश्मीर में अमन शांति बहाल हुई है और दूसरे देशों में भी भारत का रुतबा बढ़ रहा है। उन्होंने अग्निपथ योजना को देश और देशवासियों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि योजना लागू होने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही देश की सैन्य क्षमता भी बढ़ेगी। उन्हें देश रोही ताकते रही है, उनको मिसगाइड करने का परिणाम है ये। जो ये कार्यक्रम है इसमें आप ये बताइए, उन युवाओं को 4 साल एक तरफ विपक्ष शोर मचा मचा संसद में और इधर उधर कहता है कि इतने साल से बेरोजगार है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इस 4 वर्ष में उनको अनुशासन मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है और कार्य करने की उनको अनुभव मिल रहा है। हमारे देश का युवा अगर उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसको नौकरी में भी प्राथमिकता मिल रही है, प्राइवेट में भी उसका भविष्य बनने जा रहा है। पूरे देश से एक मुद्दा उठाने को अगर विपक्ष के पास से खत्म हो जाएगा तो वो तो भड़काएंगी ये सारी चीज़ें। आप मुझे बताइए कैसे कहूँ मैं उन्हें अपने उन युवाओं को कि वो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए चिंतित हैं, जो अपने ही देश को हानि पहुँचा।